हाय गाइस वेलकम बैक। और हम लोग जा रहे हैं वापस से एक और वैली देखने। ऊपर है जोकू वैली और हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे। इधर एक पास में एक और वैली है, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग देखने। तो हमारे साथ कुछ यहाँ के काइंड ऑफ दोस्ती मिल गए हैं, तो ये सब आ रहे हैं अभी नीचे। इनके भी दोस्त आ रहे हैं, उमर 7 to 8। दिस गाइज आर फ्रॉम मणिपुर इम्फाल एंड तो कुछ ऐसा यहाँ से नज़ारा मिल रहा है हमें। शायद ये वैली का नाम कल एक सर ने बताया था, वो द वैली ऑफ डेथ करके है कुछ। तो ये मुझे अभी क्लियर नहीं है पूरा अच्छे से, और इंटरनेट भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वैली है। लेकिन द कल के जैसा ही वे यहाँ का जो रास्ता है, आगे जो है ना रास्ता बहुत स्लिपरी है। स्टिक होता है ना तो एक सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐसा कुछ घास वाला रास्ता है। और कल से ही काफ़ी मज़ा आ रहा है हमको, तो सबको आ रहा है, यहाँ पे जो भी आते हैं तो वो लोग सब मज़े करने आते हैं। मैं दौड़ के थोड़ा ऊपर आ गया, वो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा नीचे हैं, क्योंकि वो सीढ़ियाँ बनी थी ना, तो दौड़ना आसान था, लेकिन पहाड़ों में दौड़ने से थक भी आप जल्दी जाते हैं। तो वो रहा जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, तो हमारा टेंट अभी भी लगा हुआ है। और यहाँ से कुछ ऐसा वैली का नज़ारा दिखता है, ये देखो आप। ऐसा ऊपर से पूरा एकदम तो चलिए बढ़ते हैं आगे। Hey boys, where are you? Where is your friend? I don't know. Let it be. Okay. So guys, यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं, क्योंकि 5-6 दोस्त हैं और वो भी आने वाले। आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग टू कम हेयर। तो रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, फ्रॉस्ट बाइटिंग होने लगी थी यार, और बर्फ भी नीचे जम गया था, आपने जैसे देखा पहले वीडियो में। तो हो सकता है कि मैं आज ही निकल जाऊँ यहाँ से, क्योंकि रात में इतनी ठंडी होती है, सो नहीं पाते हम लोग। और यहाँ का ऊपर से ठंड तो होती ही है, और टेंट के ऊपर ना अंदर भी पूरा बर्फ जम जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। यू गाइस आर बैक, ओके। सो वो लोग वापस भी आ गए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर। या देर आर टू वेज, there are two ways. Where to go? This way or this way? This way is for helicopter, helipad. Yeah, yeah. ऊपर जो गाइस है ना, ऊपर हेलीपैड का रास्ता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर हेलीपैड। ये देखो गाइस, यहाँ पे हेलीपैड है, और यहाँ पे जो घर है ना, घर मतलब जोकू वैली का जो कैंप है ना, वहाँ के लोग इसको यूज़ करते हैं कहीं कोई सामान मंगवाने के लिए, क्योंकि सामान लेके आना मतलब ऐसे चल के वो बहुत हार्ड होता है। जैसे कि कल आप देखा आपने कि रास्ता काफ़ी स्टीप है, तो यहाँ पे एक हेलीपैड है, और इमरजेंसी में भी इस हेलीपैड को यूज़ किया जाता होगा। तो यहाँ से भी वैली का नज़ारा काफी खूबसूरत लगता है। ये हेलीपैड सामने, और काफी बड़ा एरिया है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम लोग कैंप करते हैं ना भाई, और ज्यादा ठंडी लगती है, क्योंकि ये
ये जो है ना वो जो आप देख पा रहे हो जहाँ पे हम लोग कैंप किया, जो हम लोग कैंप करते हैं वो रास्ता जो है वहाँ पे मतलब वो थोड़ा एक तरह से चारों तरफ से घासों से घिरा हुआ है, हवा नहीं आती है। और यहाँ पे क्या होगा, पूरा खुला खुला एरिया है, पूरा का पूरा हवा ही आएगा यहाँ पे, तो इसीलिए। और इधर से एक और रास्ता जाता है, पता नहीं किधर की ओर जाता है। हेलो 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 हेलो, वी आर गोइंग ऑन दिस वे। ओके ओके, कॉल कॉल दिस गाय, कॉल दैट गाय। या डेफिनेटली आई कुड, तो दोस्तों चलते चलते काफ़ी दूर आ गए हैं और अभी चल ही रहे हैं। ऐसा कुछ रास्ता है और यहाँ से कुछ ऐसा वैली का नज़ारा दिख रहा है आगे का, और काफ़ी दूर भी जाना है, ऑलमोस्ट 1 घंटा चलना है, तो मुझे वहाँ मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा। उसके बाद हम लोग, एक तो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी रास्ता है तो काफ़ी ध्यान से चलना पड़ता है, ये आप देख सकते हो। चलते चलते आ चुके हैं पॉइंट पे और हेलीपैड से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ से भी एक आगे नदी गुजरती है वहाँ तक हम लोगों को जाना है। और आगे एक छोटा सा केव ऐसा बना हुआ है, एक्चुअली वो केव नहीं है, वो खोखला ऐसा बना हुआ है, तो वहाँ तक भी जाना है। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क वगैरह भी नहीं आ रही है, तो कोई फैमिली से कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। सी द व्यू गाइस, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ है वो, ऐसे ही बस बोलते हैं यहाँ के फूल की घास है, ऐसे करके कुछ पेड़ है मतलब। और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है हम लोगों को। तो अभी बच चुके हैं 12 करीब करीब और वापस आना है 3 बजे तक, तो अभी यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं, फिर ऊपर से ऊपर चढ़ना होगा हम लोग को। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं ऐसे स्थान पे, और यहाँ से देखो काफी ज्यादा मतलब वो एक आपको नदी दिख रही है ना, जो जस्ट दूर में आपको नदी दिख रही है ना, काफी ज्यादा साफ पानी है वो। और हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं, वी आर गोइंग देयर ना। या ओके, सो जस्ट हम लोग नीचे जाएंगे अभी, और काफी ज्यादा यहाँ से व्यू जो है वो शानदार लगता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कि नदी के किनारे, मतलब छोटी सी छोटा सा नदी है, काइंड ऑफ नहर कह सकते हैं आप। ये देखो ये जो आप इधर से आ रही है, ये वैसे करके पहाड़ से होते हुए और ये ऐसे आ रही है, काफी ज्यादा मतलब साफ पानी है। सो क्लीन ना, यस सो। पानी बहुत ठंडा है भाई, रस्सी क्यों बंधा है भाई, आई डोंट नो व्हाई। इतने में ट्राई टू लाइक यू नो टू क्रॉस द रिवर बाय, आई डोंट नो व्हाट इज द पर्पस। या एंड आई आल्सो एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ टाइंग अ रोप। ओके तो दोस्तों चलिए नदी क्रॉस करते हैं। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओह रियली? या ओके, ओके लेट्स टेस्ट दिस वाटर। तो दोस्तों इसको, इस पानी को टेस्ट करके देखते हैं। अभी ये लिया द सेकेंड वन, ओके इट्स गुड। या बट इट्स नाइस ना। या बट इट्स कोल्ड। या नाइस वाटर। ऐसी नदी अगर हमारे गांव में होती तो कितना मजा आता। ओके सो यू आर फ्रॉम मणिपुर? या ब्रो, तो सो ये मणिपुर से हैं, एंड आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम यू, सो यू विल हैव टू आंसर। ओके एक्चुअली यू विल आंसर, यू विल डेफिनेटली आंसर। ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम? मांगपी। यू डू यू बिलोंग टू एनी ट्राइब? या आई बिलोंग टू कुकी ट्राइब। ओके व्हाट्स द लैंग्वेज ऑफ कुकी ट्राइब? Do you speak? Yeah. We belong to Kuki tribes and we speak Kuki language. Okay, Kuki language.
And tell me about the culture, something like, you know, which is different from another tribes. Yeah, we have different custom, okay. Different dress, different cultural dress. Okay, and, okay. And different kinds of. How do you feel? How do you feel after coming here? I feel so nostalgic and the view is amazing. Okay. I feel so enlightened. So, Manipur is safe for tourists. Sorry, bro. Manipur safe for tourists? Yeah, it's definitely good. Mm. And if you are a good man, it is good. Everywhere, no? Everywhere. Yeah. So if guys, you are good, the people will be good. Yeah. The people from everywhere is good, no? I'm sure. तो दोस्तों एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं यहाँ पे एक पहाड़ यही है गुफा वाला क्या दिस इज अ केव ना केव दिस इज नॉट अ केव दिस इज लाइक अ लाइक यू नो अ प्लेस वेयर यू कैन कैंप और यू कैन फायर ओके रॉयल नोमैड ओके दिस इज फ्रॉम रॉयल नोमैड एंड प्लीज सब्सक्राइब हिम एंड शेयर करो ओके सो गाइस इन्होंने भी कह दिया सब्सक्राइब करो तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो सब्सक्राइब बटन एंड द प्रेस द बेल आइकन तो अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी.